स्वागत है आपका देवभूमि दर्शन पर। उत्तराखंड में गुलदार और तेंदुए का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसी ही एक और खबर फिर राज्य के पौड़ी गढ़वाल जिले से सामने आ रही है, जहां काफल लेने गई एक महिला पर गुलदार ने हमला करके उसे मौत के घाट उतार दिया। अभी तक मिल रही जानकारी के अनुसार घटना पौड़ी गढ़वाल जिले के पावो विकासखंड क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव सलपोड़ी की है, जहां सुषमा देवी अपनी दो अन्य महिला मित्रों के साथ काफल तोड़ने के लिए जंगल गई हुई थी। बता दें कि काफल तोड़ने के पश्चात तीनों महिलाएं जंगल में बैठी हुई थी कि तभी अचानक सुषमा देवी पर गुलदार ने पीछे से हमला कर दिया, जिसके बाद अन्य दो महिलाएं अपनी जान बचाकर वहां से भाग गई तथा घटना की सूचना ग्राम प्रधान को दी। जब सभी ग्रामीण घटना स्थल पर पहुंचे तो तब तक गुलदार सुषमा देवी को मौत के घाट उतार चुका था। महिला की मृत्यु के बाद से जहां गांव में दहशत का माहौल है, वहीं सुषमा देवी के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। नागदेव वन क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी अनिल भट्ट के अनुसार परिवार को 50,000 रुपए की तात्कालिक सहायता दे दी गई है। बताया जा रहा है कि वन विभाग की टीम ने गुलदार के शिकार के लिए शिकारी जॉय हुकिल से संपर्क किया है। बने रहिए पहाड़ से मैदान की हर खबर के लिए देवभूमि दर्शन के साथ।